नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुच्छी मु बापी ओडिशा प्राइम बुलेटिन दिन तमाम गुरुत्वपूर्ण खबर रही है से सब तमाम खबर पर आलोचना करवा कि प्रथम नजर पकाइने आज बड़ खबर पर आसवा बड़ खबर को दिशा को मिली न्याय दिशा आत्मा को शांति मिलला दुष्कर्मकारी दंड मिलला गर्जी पुलिस गुड़ी सजा पाई सैतान एनकाउंटर में चारज दुष्कर्मकारी मृत्यु होपटे भी हैदराबाद पुलिस को धन्यवाद सो छुटुची जो स्थान में महिला डाक्तर गणदुष्कर्म कर स्थान में दंड पाई नर पिशाच देश को दोहल घटन अभियुक्त शास्ति पाई 10 दिन भितर दिशा को न्याय मिली दिशा माँ बापा जी टी शांति निश्वास मारे झील तो रही अभियुक्त को दंड देती पुलिस क्राइम सीन रिकॉर्ड करने समय अभियुक्त को खसी पलैवाई चेष्टा कर समय उपाय शून्य हो पुलिस एनकाउंटर करने को पड़ता तेलंगाना पुलिस को एथिपाई पीड़िता परिवार धन्यवाद जनई तबे तेलंगाना सरकार एवं पुलिस को निकट रे कृतज्ञ बोली दिशा परिवार लोके देश में दिनक दिन बढ़ी चली दुष्कर्म अभियुक्त घटना निश्चिंत किसी मात्रा रे भय सृष्टि करपे घटना पर दुष्कर्म घटना किसी अंश कमी जापे सेपटे खबर शुणि निर्भया माँ आशादेवी कहते ये खबर 2012 जंत्रणा दे क्षेत्रपी मलम सदृश हो से कहते कि अंत जड़े झील को तो न्याय मिली तेज पुलिस को धन्यवाद देखते निर्भया माँ यास से कहते ये घृण्य अपराध भ्या व्यक्ति मध्य ए घटना निश्चिंत भय संचार कर हैदराबाद में जो पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है वो सराहनीय है। जो पूछताछ के लिए आरोपियों को वहाँ लेकर गए थे लेकिन वो भाग रहे थे, उन्होंने एनकाउंटर में उनको मार गिराया। और मैं समझती हूँ कि जो निर्भय कांड है, यदि पुलिस थोड़ी सख्ती बरतती तो बहुत पहले उनके परिवार के लोगों को न्याय मिल सकता था। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश में एक ज़िले की बात नहीं है, रोज़ाना किसी न किसी ज़िले में, रोज़ाना हर ज़िले में घटनाएं होती हैं। बच्ची से लेकर जो हमारी जो नौजवान बहनें हैं या माताएं, उन तक को भी, बुज़ुर्ग लेडीज तक को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश में आए दिन औरतों के साथ, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, ये आम हो गई है, लेकिन सरकार बिल्कुल सोई हुई है। नो, दैट इज़ द फॉल्ट ऑफ द लॉ, दैट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ पीपल, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। बिकॉज द लॉ इज टार्डी, दैट डजंट मीन दैट यू किल पीपल स्ट्रेट ऑफ। बहुत जो भी हुआ है बहुत भयानक हुआ है इस देश के लिए, क्योंकि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। कानून में वैसे भी उनको फांसी मिलती, अगर आप उनसे पहले ही उनको बंदूकों से मार दोगे तो फिर फ़ायदा क्या है अदालत के, फ़ायदा क्या है पुलिस की, फ़ायदा क्या है कानून के, फिर तो आप बंदूक उठाओ, जिसको भी मारना मारो। एज अ गर्ल, हमारे माँ बाप हमें इसलिए पैदा नहीं करते हैं, इसलिए बड़ा नहीं करते हैं, इसलिए हमारी 26 साल तक इसलिए उस डॉक्टर की परवरिश नहीं की गई थी कि आप जैसे लड़के जो होते हैं वो हमारा आके इस तरह फ़ायदा उठाएं और हमारा रेप किया जाए। हमारे माँ बाप हमें इसलिए बिल्कुल पैदा नहीं करते कि आप हमें इस तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करके किसी ब्रिज के नीचे जिंदा जला कर फेंक दें। हमें इसलिए पैदा नहीं किया गया। जितनी फ्रीडम और जितने राइट्स आपके पास है उतनी हमारे पास है, तो ये बहुत ज़रूरी है। आपकी भी बहन हो सकती है, आपकी भी बेटी हो सकती है, आपकी भी बहू हो सकती है। यदि आप चाहते हैं कि वो दूसरे किसी पुरुष के सामने सिक्योर और सहज महसूस करें, तो ये बहुत आवश्यक है कि आप पहले हमको इतना स्पेस दें, हमें उतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएं कि हम भी आपके सामने उतना ही सिक्योर फील करें। पुणि फेर से खबर को हैदराबाद महिला डाक्तर गण दुष्कर्म में संप्रत चार अभियुक्त को आज सका तेलंगाना पुलिस एनकाउंटर कर दुष्कर्मकारी को घटनार रिकॉर्ड पर उक्त स्थल को पुलिस नहीं पचराउचरा कर समय से माने फेरार होगा चेष्टा करुले 49 नंबर जातीय राजपथ जो दिशा अर्धदग्ध मृत शरीर पड़ता उक्त स्थान में चार अभियुक्त को पुलिस एनकाउंटर करखुजे हैदराबाद पुलिस गुरु दायित्व जहाँ हाथ में रही से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नाँ से खूब जनाशुना पुलिस कमिश्नर भिसी सजनार घटनार 10 दिन मध्य ही पीड़िता को न्याय देवे सफल होती
पुलिस को एनकाउंटर करने पुलिस कमिश्नर विसी सजनार अर्डर दे तेब किसी बुद्धिजीवी घटना को निंदा करत कि गणमाध्यम एवं जनता वरिष्ठ व्यक्ति विशेष विभिन्न महल पुलिस कमिश्नर एवं संपूर्ण हैदराबाद पुलिस विभाग को भूरी भूरी प्रशंसा कर पूरा देश बहुत ज़्यादा गुस्से में है चारों तरफ। तो जो एनकाउंटर हुआ पूरे देश में उसकी वजह से लोग बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं और संतोष जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ये भी चिंता का विषय है कि जिस तरह से लोगों का पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से भरोसा उठ गया है, तो हम सब लोगों को पूरे देश को और समाज को मिलके इस बारे में चिंतन करना पड़ेगा और सभी सरकारों को मिलके इस पे तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा कि किस तरह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाए, वो बहुत करना। यहाँ तक राष्ट्र महिला आयोग का की बात है, हम लोग हमेशा से उनकी डेथ पेनल्टी की मांग कर रहे थे, लेकिन वो जस्टिस के थ्रू लीगल सिस्टम के थ्रू होना था। हम स्पीडी जस्टिस की मांग कर रहे थे। ये एक इनकाउंटर हुआ है और इसमें पुलिस बेस्ट जज है कि किस परिस्थिति में उन्होंने इनकाउंटर किया। इनकाउंटर हमेशा ठीक नहीं होते, लेकिन इस मामले में जिस तरह से अक्यूज थे और जैसा पुलिस कह रही है कि वो हथियार छीन के भागने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे में शायद उनका ये जो फैसला था ठीक है। हमारा बच्ची मर के आज 10 दिन हो गए, 10 दिन के अंदर उनको इनकाउंटर में मार दिया। मैं उसको लिए गवर्नमेंट तेलंगाना सरकार और पुलिस और मैं जो मेरे साथ लोगों को सबको बताई दे देता हूँ। मेरा बच्ची की आत्मा का शांति आता हुआ। Accused have been encountered and I feel very happy for it and I think this would be an example and nobody will even think of doing it and I think it's a record time they have did this. I would like to extend my thanks to each and every people who has supported us as well as police, media and Telangana government. ପୁଣି ସେ ଖବର, ଚାରି ଶୈତାନକୁ ସଫା କରିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଡାକ୍ତରାଣୀ ଦିଶା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 4 ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମାରିଗଡ଼ାଇଛି ପୋଲିସ। ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ରାତିରେ ହାଇୱେ NH 44 ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ 4 ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ପୋଲିସ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଅନେକ ଖୁଲାସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ପୁରା କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। 4 ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହମ୍ମଦ ଆରିଫ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ 3 ଟ୍ରକ୍ ସଫେଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର 27 ରାତିରେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନାଟକୀୟ ଅନ୍ଦାଜରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଶୈତାନ ପାଲଟିଥିଲେ ଏହି 4 ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ। ପ୍ରଥମେ ଅପହରଣ, ତାପରେ ଶୁନଶାନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ମଦ ପିଆଇ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଖାଲି ଏତିକିରେ ଶାନ୍ତି ହୋଇନଥିଲେ ଏହି 4 ଜଣ ଶୈତାନ। ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏବଂ ନାକକୁ ଦବାଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ସହ 27 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ନେଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଶବକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଶବ ପାଖରେ ହିଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଫୋନ୍, ଘଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ। मुझे सूचना मिली है कि चारों लोगों को इनकाउंटर में मारा गया है और यदि कोई अपराधी इस प्रकार से भागने की कोशिश करे तो पुलिस पास कोई और तरीका नहीं होता और न्याय हुआ ऐसा कह सकता हूँ मैं। रेप कोई भी आरोपी उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक घटना जो तिवारी दंपति का जो अपहरण हुआ है, इस मामले में भारत सरकार से, वहाँ के दूतावास से लगातार हमारे अधिकारी संपर्क में हैं। यहाँ भी एसपी है, उसके परिवार वालों से मिले, मेरे भी टेलीफोन से
बात हुई है एआर आई जी के छोटे भाई पवन जी से, और मैंने उन्हें विश्वास दिलाया है कि जो भी बेहतर हो सकता है वो हम लोग करेंगे, और लगातार हम लोग दूतावास से और भारत सरकार विदेश मंत्रालय से संपर्क। आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट जस्टिस शुड बी डन इन अ कंट्री विद रूल ऑफ लॉ। ऑब्वियसली वी वांट जस्टिस टू बी डन थ्रू द जुडिशियल प्रोसेस। इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस वी डोंट नो द फुल डिटेल्स, इफ द असेलेंट्स वर आर्म्ड or if they were trying to take a gun from the police or whatever, then the police may have been justified in firing. But what we don't know is, of course, what they've done to truly establish the guilt of these people. If these are the people who've done it, the public has been clamoring for justice. I think the details should still be made available to a court of law. We must be a society run on rule of law. But justice, at the same time, people want to see. But sir, log keh rahe hain ki agar police is tarah ki karwai kare to anarchy jaisi sthiti paida ho jayegi. You know, the important thing is that the police default mode should be to find all the evidence and take the accused to the court. That should be the normal way of doing things. Aaj subah ka shukriya, Ishwar ka shukriya ki aaj hame balatkar ki nahi balatkariyon ke encounter ki khabar mili, aur main salute karti hu un police walon ko ki un balatkariyon ko bhagne nahi diya, aur mujhe lagta hai ki media se bhi request hai कि आज बच्चियों का ये खबर देख के हौसला बहुत बुलंद होगा, हम सब का हौसला बुलंद हो रहा है। मैं कहूंगी कि अब ये खबर 30 तारीख को, 2 तारीख को, 1 तारीख को, आज भी बंगाल में जिस तरह से लगातार रेप हुए हैं 4 साल, 5 साल, 6 साल, 12 साल, तो अब मुझे लगता है ये न्यूज़ होनी चाहिए कि कितनी जल्दी उन रेपिस्टों को फांसी होती है, और कितनी जल्दी अगर जो भागने की कोशिश करते हैं उनका इनकाउंटर होता है। मुझे लगता है अब देश की महिलाएं और बच्चियां अब बलात्कारियों की सजा देखना चाहती हैं, जिसकी आज जो पहल हुई है मुझे उसकी बहुत खुशी है। लगातार रेप के केस बढ़ रहे हैं, अब वक्त आ चुका है कि ये रेप की सिर्फ न्यूज नहीं हो, बल्कि रेपिस्ट को किस तरह से सजा दी गई, जिस जघन तरीके से वो रेप और हत्या करते हैं, मुझे लगता है उसी जघन तरीके से अब उनको भी मार देने की, उनको सजा देने का वक्त आ चुका है। अच्छा, परवर्ती खबर को, सुंदरगढ़ जिला राजगांगपुर शहर के विभिन्न स्थान में गत एक सप्ताह मध्य चोरी घटना वृद्धि पाउथ्वा समय स्थानीय भाटापड़ा निवासी प्रतिष्ठित व्यवसायी राकेश शर्मा और तांका सान भाई सुरेश शर्मा का घरे चोर मैंने कलकना बुलाई पाखापाखी 10 लाख टंका सुना गहना लुटि नहीं सूचना मिली। स्थानीय पुलिस एवं सुंदरगढ़ फोरेंसिक टीम पहुंची घटनार अधिक तदंत करुवा बेले यथाशीघ्र चोर मानक गिरफ्त करने राजगांगपुर पुलिस प्रशासन पक्षर विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ कर सूचना मिली। कल रात को हमारे घर में चोरी हुई, हमारे अलमारी से सब कुछ चला गया, पूरे मेरे सेट सब थे, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सिल्वर ऑर्नामेंट्स और बहुत सारे सेट थे, आई थिंक एवरेज में 10 लाख तक का पूरा, इवन कैश भी था। नथिंग इज लेफ्ट, कुछ नहीं है, बैंगल्स, गोल्ड बैंगल्स, हाँ मंगलसूत्र सब कुछ था, और इयररिंग्स एंड ऑल सब, एवरीथिंग। 12 बजे से लेके सुबह 5 बजे के अंदर में हमारे घर के छत पे कहीं से साइड से कोई चढ़ के वो एक रूम का दरवाज़ा खोल के अंदर वैल्यूबल्स वगैरह थे अलमीरा में, वो सब गोल्ड ज्वेलरी वगैरह मेरी वाइफ के थे, जो पेरेंटल और हमारी तरफ से, वो सारा कुछ चोरी चला गया हमारा। मतलब कैसा हुआ आपको, अभी क्या पता चल रहा है कैसे? देखिए, ये होने के पीछे में इसका रीज़न जो मेरा समझ में है वो नशा है। यहाँ का मैक्सिमम यूथ जो है वो नशा का चपेट में है, और नशा का लत को पूरा करने के लिए वो लोग चोरी करता है, कभी मोबाइल कभी कुछ करता है, और हमारे यहाँ पर उनको ऐसा संयोग लगा कि ज्यादा कुछ मिल गया। पुणी रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज रे लागि रहिथिबा अव्यवस्थार एक नग्न चित्र सामना को आसी छी। मेडिकल रो कैंटीन विभाग रे कार्यरत नियोजित थिबा जने कर्मचारी रोगी को इंजेक्शन देउथिबार वीडियो एबे वायरल होई छी, जहा कि चर्चार विषय मध्ये पलटि छी। तबे उक्त वीडियो वायरल हेबा परे पुणी मेडिकल को नहीं सृष्टि होई छी प्रश्नवाची। तबे एठी प्रश्न उठुछि, जदि एठारे कैंटीन दायित्व रे थिबा कर्मचारी रोगी को इंजेक्शन देबा परे गुरुत्वपूर्ण कार्य संपादन करंती, तबे एठारे रोगी केते सुरक्षित?
केन्दुझर जिला घटगाँ वन विभाग द्वारा काठ बोझे एक ऑटो जबत होइछि। घटगाँ वन विभाग पारा फरेस्टर स्टाफ पेट्रोलिंग करथवा समय मेलना ग्राम निकटे चौकाठ बोझे होइतिबा ऑटोटी को देखिबा कहिथिले। वन कर्मचारी माने ऑटो को जबत करबा सह ऑटो चालक मधुसूदन तंती को अटक रखिछन्ति। तेबे जबत काठ रो आनुमानिक मूल्य 20,000 रु ऊर्ध टंका हेबो बोली वन विभाग सूचना दिछि। ओडिशा प्राइम बुलेटिन समय ब्रेक पर भी जारी रहा अन्य खबर।